हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल एस के नीटिंग देखिए आज मैं आपके लिए ये ब्यूटीफुल डिज़ाइन लेके आई हूँ ए डिजाइन फोर्टीन रोज़ का डिज़ाइन है वो 14 रोज़ आपको रिपीट करनी है अपने प्रोजेक्ट में इस डिजाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हो जेंट सोइर लेडीज स्वेटर लेडीज़ जैकेट लेडीज़ कार्डिगन बेबी स्वेटर कप सॉक्स ब्लैंकेट किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हो रॉन्ग साइड पे ऐसे दिखता है इस डिजाइन को बनाने के लिए आपको इलेवन का मल्टीपल में फंदे डालने हैं और प्लस वन एक्स्ट्रा स्टिच प्लस टू एज स्टिच करने है ग्यारह फंद को डिजाइन है देखिए यहाँ से यहाँ तक आपको ग्यारह फंद को डिजाइन है ग्यारह फंदा ग्यारह फंदा ग्यारह फंदा ग्यारह फंदा करते जाना है देन लास्ट में प्लस एक एक्स्ट्रा स्टिच प्लस दो एज स्टिच लास्ट में करेंगे देखिए इसमें मैंने इलेवन का मल्टीपल करके ट्वेंटी टू प्लस वन एक्स्ट्रा एस्टिज एक्स ट्वेंटी थ्री प्लस टू एजस्टिज टोटल ट्वेंटी फाइव फंदा डाला है यहाँ फर्स्ट शुरू करते हैं फर्स्ट आपको राइट साइड से शुरू करेंगे फर्स्ट रो राइट साइड एजस्टिज हम स्लिप करनी है अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे धागा आगे रिपीट पैटर्न एक फंदा उल्टा धागा पीछे अब दस फंदा हम सीधा बुनेंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस अब इन्हीं फंद को हम बार बार रिपीट करेंगे देखिए अजिस्टिक को छोड़कर आपको रिपीट करनी है एक फंदा उल्टा दस फंदा सीधा दो चार छः आठ दस एक फंदा उल्टा दस फंदा सीधा आपको बार बार रिपीट करेंगे ग्यारह फंदों को डिजाइन है इन्हें ग्यारह फंदा हम बार बार रिपीट करनी है देखिए फिर से धागा आगे करनी है एक फंदा उल्टा फिर दस फंदा सीधा एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एजिस्टी को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक आपको दो डिज़ाइन खत्म हुए लास्ट में आपको दो फंदा बचेंगे इसमें हम एक उल्टा एडजस्टीज को सीधा सेकेंड वो रॉन्ग साइड हर रॉन्ग साइड आपको जो फंदा सीधा दिख रहा है उसको सीधा बुनेंगे जो फंदा उल्टा दिख रहा है उसको उल्टा बुननी है देखिए एडजस्टिज हम स्लिप करनी है धागा पीछे अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे रिपीट पैटर्न सीधा दिख रहा है एक फंदा हम सीधा बुनेंगे फिर दस फंदा हम उल्टा बुनेंगे एक दो सीधा पे सीधा उल्टा पे उल्टा बुननी है और रॉन्ग साइड तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस दस बंदा उल्टा अब इन्हीं फंदों का हम बार बार रिपीट करेंगे एडजस्ट को छोड़कर आपको रिपीट करनी है एक फंदा सीधा दस फंदा उल्टा दो चार छः आठ दस फिर से इन्हें ग्यारह फंदा रिपीट करेंगे धागा पीछे एक फंदा सीधा दस फंदा उल्टा एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक आपको दो जन खत्म हुआ लास्ट में आपको दो फंदा बचेंगे लास्ट का दो फंदा में हम एक सीधा बुनेंगे स्टिच को उल्टा बुनेंगे थर्ड रो राइट साइड स्टिच हम स्लिप करनी है धागा आगे अब यहाँ से रिपीट पैटर्न तरह करनी है रिपीट पैटर्न दो फंदा उल्टा बुनेंगे एक दो दो फंदा उल्टा धागा पीछे करेंगे बीच में हम आठ फंदा सीधा बुनेंगे एक दो तीन चार पाँच छत आठ धागा आगे करेंगे यहाँ पर आपको एक फंदा उल्टा अब इन्हीं फंदों को हम बार बार रिपीट करेंगे देखिए एडजस्ट को छोड़कर आपको रिपीट करनी है दो फंदा उल्टा एक दो आठ फंदा सीधा दो चार छः आठ फिर एक फंदा उल्टा एडजस्ट को छोड़कर इन्हीं ग्यारह फंदा बार बार रिपीट करेंगे देखिए फिर से इन्हीं फंदों को कर रिपीट करनी है दो फंदा उल्टा बुननी है एक दो धागा पीछे आठ फंदा सीधा एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ धागा आगे यहाँ पर आपको एक फंदा उल्टा देखिए एडस्ट को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक आपको दो डिज़ाइन खत्म हुए लास्ट में आपको दो फंदा बचेंगे इसमें हम एक उल्टा बुनेंगे एडस्टी को सीधा बुनेंगे फोर रो रॉन्ग साइड जो फंदा उल्टा दिख रहा है उसको उल्टा बुनेंगे जो फंदा सीधा दिख रहा है उसको सीधा बुनेंगे उल्टा पे उल्टा सीधा पे सीधा बुनेंगे फिफ्थ रो राइट साइड एजस्टीज हम स्लिप करनी है धागा आगे अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे रिपीट पैटर्न इस बार हम एक एक फंदा आपको यहाँ पर उल्टा फंदा बढ़ेगा तीन फंदा हम उल्टा बुनेंगे एक दो तीन सीधा फंदा उल्टा बुनेंगे तीन धागा पीछे और बीच में हम छः फंदा सीधा बुनेंगे पहले हम आठ फंदा सीधा बुने थे अब की बार छः फंदा सीधा दो तीन चार पाँच छः धागा आगे करेंगे पहले पहले हमने यहाँ पर एक फंदा उल्टा बुने थे अब की बार दो फंदा उल्टा बुनेंगे एक दो अब इन्हीं फंदों को हम बार बार रिपीट करेंगे एडजस्ट को छोड़कर आपको रिपीट करनी है तीन फंदा उल्टा एक दो तीन छः फंदा सीधा दो चार छः फिर दो फंदा उल्टा एक दो एडस्टी को छोड़कर नहीं ग्यारह फंदा बार बार रिपीट करनी है देखिए फिर से इन फंदा को रिपीट करनी है तीन फंदा उल्टा बुनेंगे एक दो ये तीन धागा पीछे बीच पीछ में छः फंदा सीधा एक दो तीन चार पाँच धागा आगे करेंगे दो फंदा उल्टा एक दो एडस्टी को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक आपको दो डिजाइन खत्म हुए लास्ट में आपको दो फंदा बचेंगे इसमें हम एक उल्टा एडजस्टि सीधा बुनेंगे सिक्स रो रॉन्ग साइड जो फंदा उल्टा दिख रहा है उसको उल्टा बुनेंगे जो फंदा सीधा दिख रहा है उसको सीधा बुनेंगे सेवन रो राइट साइड एडजस्टिज हम स्लिप करनी धागा अब यहाँ से रिपीट पैटर्न इस्ट करेंगे रिपीट पैटर्न इस बार हम चार फंदा उल्टा बुनेंगे एक दो तीन एक चार चार फंदा उल्टा धागा हम पीछे करेंगे बीच में हम चार फंदा सीधा एक दो तीन चार अभी सॉरी धागा आगे करेंगे अब इस साइड पर भी तीन फंदा उल्टा एक दो तीन अभी नहीं फंद को हम बार बार रिपीट करेंगे एडजस्ट को छोड़कर आपको रिपीट करनी है चार फंदा उल्टा दो चार चार फंदा सीधा दो चार फिर तीन फंदा उल्टा एक दो तीन एडजस्टिक को छोड़कर इन्हें ग्यारह फंदा बार बार रिपीट करेंगे देखिए फिर से इन्हीं फंदों को रिपीट करनी है चार फंदा उल्टा एक दो तीन चार बीच में हम चार फंदा सीधा एक दो तीन चार धागा अब तीन फंदा उल्टा एक दो तीन को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक आपको दो डिज़ाइन खत्म हुई लास्ट में दो फंदा बचेंगे इसमें हम एक उल्टा एडजस्टीज को हम सीधा बुनेंगे एट टू रॉन्ग साइड जो फंदा सीधा दिख रहा है उसको सीधा बुनेंगे जो फंदा उल्टा दिख रहा है उसको उल्टा बुनेंगे नाइन टू राइट साइड एजस्ट इज हम स्लिप करेंगे धागा आगे अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करनी है रिपीट पैटर्न चार फंदा उल्टा एक दो तीन चार चार फंदा हम उल्टा बुनेंगे धागा हम पीछे करेंगे अब ये चार फंदों को हम दो दो फंदों करके हम ट्विस्ट करेंगे इस तरह को ट्विस्ट करनी है राइट हम पीछे से लेंगे देखिए आगे वाला दो फंदा छोड़ेंगे ये पीछे वाला दो फंदा हम आगे करनी है फिर आगे वाला दो फंदा हम पीछे करेंगे इस तरह से अब इसका हम लेफ्ट नीड हम लेंगे अब टोटल है चार फंदा हम फिर सीधा बुनेंगे एक दो तीन अच्छा इस तरह से हम ट्विस्ट करेंगे धागा आगे करनी है अब यहाँ पर आपको तीन फंदा उल्टा एक दो तीन अब इन्हीं फंदुकम बार बार रिपीट करेंगे एडस्टी को छोड़कर आपको रिपीट करनी है चार फंदा उल्टा दो चार फिर ये चार फंदा हम राइट टू लेफ्ट ट्विस्ट करेंगे फिर ये तीन फंदा उल्टा एक दो तीन एडजस्टी को छोड़कर फिर से इन्हें ग्यारह फंदा रिपीट करनी है देखिए फिर से चार फंदाम उल्टा एक दो तीन चार धागा पीछे अब ये चार फंदा हम ट्विस्ट करेंगे पीछे से लेंगे हम सिलाई को देखिए आगे वाला दो फंदा छोड़ेंगे पीछे वाला दो फंदा हम आगे करनी है अब इसका हम लेप निजम लेंगे फिर चारों फंदा हम सीधा बनेंगे एक दो तीन या चार आ गया। अब यहाँ पर आपको तीन फंदा उल्टा एक दो तीन देखिए एजिस्टी को छोड़कर यहाँ से तक आपको दो डिजाइन खत्म हुए। लास्ट में दो फंदा बचेंगे इसमें हम एक उल्टा एजिस्टीज को सीधा बुनेंगे टेन रो रॉन्ग साइड जो फंदा सीधा दिख रहा है उसको सीधा बुनेंगे जो फंदा उल्टा दिख रहा है उसको उल्टा बुनेंगे इलेवन रो राइट साइड इट इज हम स्लिप करनी है धागा आगे अब यहाँ से रिपीट पैटर्न इसका करेंगे रिपीट पैटर्न तीन फंदा उल्टा एक दो तीन तीन हम उल्टा बुनेंगे धागे को हम पीछे करेंगे अब छः हम सीधा बुनेंगे देखिए एक एक उल्टा हम सीधा बुनेंगे एक दो तीन चार पाँच या छः छः फंदा हम सीधा बुनेंगे धागा आगे करेंगे दो फंदा उल्टा एक दो अब इन्हीं फंद को हम बार बार रिपीट करेंगे देखिए स्टिक को छोड़कर आपको रिपीट करनी है तीन फंदा उल्टा एक दो तीन छः फंदा सीधा दो चार या छः फिर दो फंदा उल्टा स्टिक को छोड़कर इन्हें ग्यारह फंदा हम बार बार रिपीट करेंगे देखिए फिर से इन्हीं फंदों को रिपीट करनी है तीन फंदा उल्टा एक दो तीन धागा हम पीछे करनी है छः फंदा सीधा देखिए उल्टा फंदा भी सीधा बुनेंगे एक दो तीन चार पाँच छः धागा आगे अब तीन फंदा सॉरी दो फंदा उल्टा एक दो एडजस्टी को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक तो आपको दो डिजाइन खत्म हुए लास्ट में आपको दो फंदा बचेंगे इसमें हम एक उल्टा एडजस्टीज को सीधा बुनेंगे ट्यूबेल रो रॉन्ग साइड जो फंदा सीधा दिख रहा है उसको सीधा बनेंगे जो फंदा उल्टा दिख रहा है उसको उल्टा बुनेंगे थर्टीन रो राइट साइड इज हम स्लिप करनी है धागा आगे अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे रिपीट पैटर्न दो फंदा हम उल्टा बुनेंगे एक दो धागा हम पीछे करेंगे आठ फंदा हम सीधा बुनेंगे ये उल्टा फंदा भी सीधा बुननी एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ आठ फंदा सीधा धागा आगे करेंगे एक फंदा उल्टा अब इन्हीं फंदों को हम बार बार रिपीट करेंगे एडस्ट को छोड़कर आपको रिपीट करनी है दो फंदा उल्टा आठ फंदा सीधा दो चार छः आठ फिर एक फंदा उल्टा एडजस्ट को छोड़कर इन्हीं ग्यारह फंदा हम बार बार रिपीट करेंगे देखिए फिर से इन्हीं फंदों तो को रिपीट करनी है दो फंदा उल्टा एक दो धागा पीछे आठ फंदा सीधा एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ धागा आगे अब एक फंदा उल्टा स्टिच को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक आपको दो डिज़ाइन खत्म हुए लास्ट में दो फंदा बचेंगे इसमें हम एक उल्टा स्टिच को सीधा बनेंगे फोर्टीन डो रॉन्ग साइड जो फंदा सीधा दिख रहा है उसको सीधा बनेंगे जो फंदा उल्टा दिख रहा है उसको उल्टा बनेंगे